हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे आप सभी भी। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी पड़ी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मच्छी मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ में मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं मच्छी कैसे बनाती हूँ। रेहू माछ है तो मैंने पहले ही मच्छी में अच्छे से धो धा लिया है और इसमें हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है, क्योंकि लाल मिर्च बहुत लोग डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालते, पर मैं डालती हूँ। मुझे थोड़ा झाल ज़्यादा पसंद है और मैं स्वाद अनुसार नमक ज़रा सा डाल दूँगी। और अब इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। और कोरोना में अभी कैसा क्या चल रहा है, प्लीज़ सभी अपने अपने घर में सेफ्टी रहे हैं, सेफ रहें आप सभी लोग। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से फेंट ले रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों कोरोना बहुत बढ़ गया है बंगाल में, तो प्लीज़ सबसे अनुरोध करती हूँ अपने अपने घर में अच्छे से रहें, सेफ्टी से रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। तो यहाँ पे देखिए मैंने मच्छी में अच्छे से इसको फेंट लिया है, आप देख सकते हो। अब इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं, तब तक चलते हैं कढ़ाई को गर्म कर। तो जब तक हमारी मछली आराम कर रही है फिश, तो मैंने सोचा तब तक मैं चावल, तो यहाँ पर चावल धो लेती हूँ मैं। तो चलिए मैं चावल धो के इसे मैं फटाफट से चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल को चढ़ा दिया है और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। उसमें पहले से ही तेल था, तो मैंने कल रात कुछ बनाया था उसमें तो पहले से ही तेल पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे चढ़ा दिया, अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मछली खाएंगे और आज हम रेहू माछ खाएंगे। तो जिनको भी रेहू माछ खाना है आ जाइए हमारे घर पे खाने के लिए। और क्या बोलूँ, देख लो फेस में कितने क्या क्या गर्मी इतनी लग रही है, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या बताएं हम आप सभी को। आप देख ही सकते हैं कितना पसीना आए सब गर्मी की वजह से, क्या हो गए हमारे फेस पे। पर कोई बात नहीं, गर्मी है तो क्या हुआ, रहना तो यही है। और बताइए क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल लें। हमारे यहाँ बंगाल में तो वोट पड़ गया है, देखिए मैं वोट देने कहाँ गया, मैं वोट देने गई थी, मैं वोट देख के आई हूँ। तो प्लीज़ आप सभी भी वोट देना ना भूले, वोट ज़रूर दीजिएगा, ये हमारा हक है, तो प्लीज़ वोट ज़रूर दीजिएगा आप सभी भी। गर्मी चाहे जितने भी लगे, गर्मी में जाके देखिए मैं वोट दे के, बहुत गर्मी थी तो क्या बताऊँ, मतलब गई लाइन में लगी है, मैंने वोट दे कराया, बहुत गर्मी लग रही थी। और क्या बताऊँ मैं, कुछ नहीं बस इतना ही पता नहीं। प्लीज़ अगर आप लोग के पास कुछ पता हो तो बताइए कि मैं फेस में क्या लगाऊँ। देखो बहुत दाना ना रेड रेड सा हो गया है हमारे फेस पर। अगर आप लोग के पास कोई इलाज हो, कोई ट्रीटमेंट हो तो बताना प्लीज़ यार, कमेंट में लिख के बताना मैं क्या करूँ जिससे ठीक हो जाए। मेरे ओठ के नीचे छाले पड़ गए जो बहुत दर्द हो रहे हैं। तो चलिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और हम फटाफट से मछली तलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। जब तक कढ़ाई से धुआं ना फेंकने लगे तो प्लीज तब तक आप मच्छी ना डालें। देखिए यहाँ पे धुआं फेंक रहा है, अब इसमें हम फटाफट से मच्छी डालें। क्या होता है ना, जब धुआं फेंकता है तो मच्छी काफी अच्छे से भूजती है, काफी अच्छे से, वरना अगर ना फेंके तो ऐसे ही डालोगे आप लोग, मच्छी इसमें ही सट जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं मध्यम कर देती हूँ क्योंकि उड़ेगा। तो चलो ये रही हमारी मच्छी।
आप देख सकते हैं खड़े ही रह गए हैं हमारे। जब तक हमारी मछली भूज रही है तो मैं यहाँ पे फटाफट से मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीले वाले सरसों लिया है, आप चाहें तो काले वाले भी सरसों ले सकते हैं, बट मैं पीले वाले सरसों को यूज करती हूँ क्योंकि हमारे घर में तो यही सब लोग को बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं मछली को थोड़ा सा पलट देती हूँ, दूसरे साइड मैं इसे पलट रही हूँ करके, आप पलटे वरना टूट भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी मच्छी कितने अच्छे रेड अच्छे से तल गए हैं। बस थोड़ी देर इसे और भूज लेती हूँ मैं, तो उसके बाद ये हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लहसुन को कट कर लिया है, अब मैं इसे डाल देती हूँ। सरसों और लहसुन थोड़े और पड़ेंगे, शायद मुझे कम लग रहे तो मैं थोड़े और लहसुन डाल देती हूँ इसमें। यहाँ पर मैंने लहसुन, अब यहाँ पर थोड़ा सा गोलकी डाल देंगे, स्वाद अनुसार मिर्चा डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डालें। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच और 2.5 चम्मच डाला क्योंकि मैं थोड़ा तीखा ज़्यादा खाती हूँ। और यहाँ हिसाब से हल्दी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से हल्दी डालें, कम डालनी है या ज़्यादा डालनी है। तो हमारा मसाला हो गया रेडी, अब इसमें इसे हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर मशीन से। यहाँ पे हमारा चावल भी हो गया है, उबलने लगा है। और यहाँ पे दोस्तों हमारी मछली हो गई थी, मैं दिखाना भूज के निकाल लिया, मैंने दूसरा डाल दिया, उसे भी भूज ले रही हूँ मैं। पता नहीं हमारी आवाज़ शायद आप लोगों को थोड़ा धीरे सुनाई दे रही, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी गाड़ी की आवाज़ आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे भी थोड़ा पलट दिया है ताकि दूसरे तरफ से भी अच्छे से भून जाए। यहाँ पे हमारी पूरी मछली भून गई है, अब हम फटाफट से मसाला रेडी कर लेते हैं। तो तेल गर्म है, अब हम इसमें मसाला डाल लेंगे। तो हमारी मसाला भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है, मैंने मसाला को डाल दिया और इसे अच्छे से धीमी धीमी आँच पे भूनेंगे, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, पूरा तेल ऊपर इसका ऑयल ऊपर ना जब तक आ जाए घुसते घुसते, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम धीमे धीमे यहाँ से फ्राई कर लेते हैं। अभी अच्छे से भूजी नहीं, अभी इसमें हम, अब देख सकते हैं मैंने 2 टमाटर पीस लिए थे, आप अपने हिसाब से टमाटर पीस लें क्योंकि मेरी 1/2 किलो मछली थी, इसलिए मैंने 1/2 किलो मछली के हिसाब से 2 टमाटर पीस के यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर आप भी बना कर खाएँ दोस्तों। इसमें जरा सा हम पानी ले लेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे हम, और इसे अब अच्छे से मिला लेते हैं। जो खांसी हो गई तो इसको ध्यान मत दीजिएगा इतना, मैंने थोड़ा खांस दिया। तब इसे और अच्छे से, देखिए अभी भी इसमें तेल नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसे और अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये जब तक लाल ना हो जाए, ऊपर तेल ना दिखने लगे, तब तक हम इसे ऐसे ही भूजते रहेंगे। आप सभी देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है, मैं तो एकदम पसीने से भीग चुकी थी, वो कितना पसीना चल रहा है शायद आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और हमारे चावल बन के रेडी हो चुका है, तो आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला भी अच्छे से भून गया है, देखिए इसमें तेल नज़र आने लगा है, ऊपर तेल आ गया है। अब इसको हम ग्रेवी लगा देंगे, तो चलिए इसमें अब हम ग्रेवी लगाते हैं। ग्रेवी लगाने के बाद उसमें हम अपनी मच्छी को डाल देंगे। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, मुझे ही थोड़ी ना गर्मी लग रही होगी, आप सभी को बहुत, बट यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। इस बंगाल में तो वैसे बहुत गर्मी पड़ती है, मैं देखो आपको दिखाती हूँ बाहर का सीन।
देख सकते बाहर में कितना कड़ा धूप किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फटाक से ग्रेवी लगा देते हैं, तो अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दे रही हूँ घोल के लिए। आप अपने हिसाब से ग्रेवी लगाए, आपको ज़्यादा पतला रखना है या झोल को या ज़्यादा ये रखना है, तो मैं मीडियम ही रखूँगी। मैं ज़्यादा गढ़ा भी नहीं करूँगी और ना ही ज़्यादा पतला पानी जैसा भी करूँगी, मीडियम रखूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं, तब इसमें हम फटाफट से मच्छी डाल देते हैं। अगर आपको भी मच्छी खाने आना है तो प्लीज़ आप उगा सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं मच्छी डाल रही हूँ, थोड़ा अंधेरा टाइप का लग रहा है अब तो, शायद आप लोग अच्छे से ना दिखे। आप अच्छे से देख लो, तो मैंने सारे फिश को डाल दिया है। अब इसे अच्छे से एक दो बाल आने देंगे ताकि ये अच्छे से ये हो जाए। अब इसमें थोड़ा हम धनिया पत्ता ऊपर से सजा देंगे। तो मैंने धनिया पत्ता को उसमें डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से खदकने देते हैं। इस तरीके से मच्छी जरूर बनाइएगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और जरूर बताइएगा कि मेरी मच्छी आपको कैसी लगी। अगर इस तरीके से और भी आपको डिशेज जाना है तो जरूर बताइएगा, मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बहुत गर्मी लग रही है, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। तो फाइनली हमारी मच्छी बन गई है, एक दो बाल आ चुका, तो मैं आप लोग को भी, मैंने गैस को भी बंद कर दिया, तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं देखने में कितना यम्मी लग रहा है, बहुत ही यम्मी लग रहा है ना, तो प्लीज एक बार जरूर आप लोग भी ट्राई करें। तो हमारी मच्छी थी जो फाइनली बन चुकी है, बहुत गर्मी लग रही है। चलिए मैं आपको अपने छत्ता की सैर, ये मैं आपको अपने छत पे ले जा रही हूँ। मैंने छत पे अचार डाला, तो मैं सोची थोड़ा सा मैंने अपने अचार को देख लूँ मेरा अचार कैसा बन के रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने अचार लगाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं इसे थोड़ा ऐसे मिला देती हूँ, मैंने इसे धूप में डाला था सूखने के लिए। देख सकते कितना यम्मी है ये, और ये हमारा रहा छत का व्यू। ये हमारी बेटी, हाय करो बेटा, हाय। ये हमारी लड़की है, अब देख सकते हैं ये हमारा छत का, ये तुलसी माँ का चौड़ा है। ये हमारा छत का व्यू है। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से मिलती हूँ। बाय बाय, बाय करो, बोलते लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।